हेलो स्टूडेंट्स, वाईफाई सिनेमा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एक बहुत बम्पर वैकेंसी के बारे में जो आरआरबी में आई है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आई हुई है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अभी डिक्लेयर की है, जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो जाएंगे और 29 दिसंबर को उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसके बारे में अपन बात करेंगे कि इसमें वैकेंसी जो है उसमें क्या क्या स्टेजेज होगी, क्या एज लिमिट होगी, क्या एप्लीकेशन फॉर्म की फीस होगी और क्या अपने पास में इंपॉर्टेंट डेट्स होगी, जिसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। काफी बम्पर वैकेंसी है और स्पेशली इंजीनियर्स के लिए इससे बड़ी वैकेंसी अभी अपने पास में काफी ईयर्स में नहीं आई है, तो आपके लिए एक गवर्नमेंट में जाने का, रेलवेज में जाने का बहुत सुनहरा अवसर है। और इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स इसके बारे में है, जिसकी चर्चा इस टॉप इसमें आज अपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 14,033 वैकेंसीज इसमें आई है। काफी मेजर वैकेंसीज है, काफी सालों बाद में इतनी वैकेंसीज जो इंजीनियरिंग सेक्टर में जो अब रेलवेज के लिए आई है। स्पेशली इंजीनियरिंग के अलावा डिप्लोमा भी इसमें एलिजिबल है और अलग अलग पोस्ट है जिसमें अलग अलग क्वालिफिकेशंस जो है यहाँ पर चाहिए। तो अपने पास में कुल वैकेंसी जो है, कुल वैकेंसी 14,033 एक ग्रांड वैकेंसी, बहुत ज्यादा अपने पास में वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी रेलवे में आई है, जिसके आपके सुनहरा अवसर है। लोकसभा चुनाव से पहले पहले इसके स्टेजेज वगैरह कंप्लीट होने के पूरे पूरे चांसेज है, तो कुछ ही महीनों में आपको रेलवे में नौकरी के लिए बहुत सुनहरा अवसर मिलने को जा रहा है। तो इसमें अपन चर्चा करेंगे कि इन वैकेंसीज का क्या क्या डिवीजन रहेगा, कौन कौन से सेक्टर्स में वैकेंसी आ रही है और उसके लिए अपने पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होगी। तो मैं आपको पोस्ट वाइज बता दूं कि ये 14,033 वैकेंसी है, ये किस किस पोस्ट के लिए है और क्या क्या उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। तो अपने पास में मैं पोस्ट की कैटेगरी आपको लिख देता हूं कि कौन कौन सी पोस्ट की कैटेगरी है जिसके अंदर अपने पास में वैकेंसी आई है और नंबर ऑफ वैकेंसीज उसमें कितनी है, टोटल वैकेंसी जो है वो क्या क्या अपने पास में है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर, जो कॉमन जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है उसके लिए अपने पास में आई है, जूनियर इंजीनियर जो है उसकी वैकेंसी है और जूनियर इंजीनियर की यहां पर वैकेंसी है आपके पास में 13,034 वैकेंसी। बहुत ज्यादा वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग, जिसने किसी भी डिसिप्लिन में डिप्लोमा कर रखा है या डिग्री कर रखी है, दोनों एलिजिबल है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की है कि डिप्लोमा और डिग्री वाले दोनों यहां पर अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, जो कि पोस्ट अपने पास में कितनी है 13,034। बहुत ज्यादा वैकेंसी है दोस्तों और आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो, 13,034 वैकेंसी जो सिर्फ जूनियर इंजीनियर के लिए है। और जूनियर इंजीनियर के लिए मैं आपको क्वालिफिकेशन बता दूं, इसके लिए डिप्लोमा और डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। क्या होना चाहिए यहां पर, यहां पर डिप्लोमा और डिग्री, डिप्लोमा और डिग्री इन इंजीनियरिंग, इन इंजीनियरिंग। ये किसी भी सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी सेक्टर में है, स्पेशली जो अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से जिसने किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियर जिसने किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसने किया है, उन सब के लिए अपने पास में जूनियर इंजीनियरिंग, चाहे वो डिग्री की हो, इंजीनियरिंग की हो, चाहे डिप्लोमा किया हो, सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल है। और टोटल वैकेंसीज जो है जूनियर इंजीनियर के लिए वो 13,034 वैकेंसीज है। तो आपके लिए जूनियर इंजीनियर बनने का इससे बढ़िया अवसर अभी नहीं हो सकता। 2 जनवरी से इसके अपने पास में एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। दूसरी अपने पास में इसमें वैकेंसी है वो है जूनियर इंजीनियर जो आईटी सेक्टर में बनते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो जूनियर इंजीनियर है वो अपने पास में आईटी सेक्टर मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी का यहां पर मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है वो टोटल 49 वैकेंसीज है। टोटल 49 वैकेंसीज है जो अपने पास में जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में है। तो अपने पास में यहां पर जो है वो डिप्लोमा और डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में है वो तो अपन ने बात कर ली थी। इसके लिए अपने पास में पीजीडीसीए वाला भी जो है, पीजीडीसीए जिसने किया है वो भी इलिजिबल है, अगर उसने पीजीडीसीए कर रखा हो, या अपने पास में कंप्यूटर साइंस में बीएससी कर रखी हो, चाहे वो बीएससी कंप्यूटर साइंस में हो, चाहे जो अपने पास में कंप्यूटर साइंस में बीएससी कर रखी हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीसीए कर रखा हो, इसमें बीसीए करने वाले भी एलिजिबल है, या आईटी से अपने पास में इंजीनियरिंग कर रखी हो, वो सारे के सारे जो हैं वो जूनियर इंजीनियर आईटी सेक्टर के लिए एलिजिबल है। यहां पर तो डिप्लोमा और डिग्री किसी भी इंजीनियरिंग में अपने पास में किया हो, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो अपने पास में सिविल है, वो सारे यहां पर एलिजिबल है, जबकि जूनियर इंजीनियर में पीजीडीसी है, बीसीए जिसने किया हो, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा है जिसके पास में, वो इस वैकेंसी के लिए
एलिजिबल है। फिर अपने पास में डिपो मैनेजर सुपरिंटेंडेंट, नेक्स्ट अपने पास में है जो डिपो मैनेजर वाली पोस्ट है, जो डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट जो है उस वैकेंसी के लिए है, उसके लिए अपने पास में 456 वैकेंसी है। कुल वैकेंसी कितनी है अपने पास में, 456 वैकेंसी है डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट के लिए। और डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट की मैं बात करूं तो अपने पास में किसी भी सेक्टर में डिप्लोमा या डिग्री जिसमें है, जिसके पास में है किसी भी सेक्टर में डिप्लोमा या डिग्री है, वो अपने पास में इसके लिए एलिजिबल है। मतलब और नॉर्मल ग्रेजुएट जो अपने पास में है वो डिपो जो अपने पास में मटेरियल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल है। फिर अपने पास में है केमिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, केमिकल एंड मेटलर्जिकल जो अपने पास में पोस्ट है असिस्टेंट की पोस्ट है उसकी अपन बात करते हैं तो उसकी अपने पास में कुल वैकेंसी है 494 और ये टोटल अपने पास में 14,033 वैकेंसी बनती है। और जो यहाँ पर दोस्तों केमिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है इसमें बीएससी होना चाहिए, बीएससी अपने पास में किसी भी सेक्टर में बीएससी या फिर अपने पास में 10th BSc की भी इतनी जरूरत नहीं है, अपने पास में 12th में उसके साइंस होनी चाहिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपल्सरी है 45% मार्क्स के साथ। 12th में अपने पास में जो साइंस में डिग्री होनी चाहिए, लेकिन 12th में क्या होना चाहिए उसमें फिजिक्स एंड जो केमिस्ट्री है, मतलब साइंस में यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए और उसके अलावा साइंस में डिग्री के अलावा जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी किसकी है, साइंस में या तो डिग्री होनी चाहिए या फिर अपने पास में एक सिलेबस एक जो अपने पास में सब्जेक्ट है वो फिजिक्स होना चाहिए एंड केमिस्ट्री, ये अपने पास में कंपलसरी है कि उसके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए विथ 45% जो मार्क्स हैं उसके साथ दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। केमिस्ट्री क्या जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, 45% मार्क्स मिनिमम मार्क्स अपने पास में होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। तो दोस्तों चार टाइप की पोस्ट है अपने पास में जिसके लिए ये वैकेंसी आई है, जो कि जूनियर इंजीनियर है 13,034 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर अगर आईटी है आईटी सेक्टर में है उसके लिए 49 पोस्ट है, डिपो मेटेरियल सुपरिंटेंडेंट है जिसमें कोई भी डिप्लोमा या डिग्री अपने पास में चलेगा जिसके लिए 456 वैकेंसी है, और केमिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जो असिस्टेंट है उसके लिए 494 वैकेंसी जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री विथ 45% मार्क्स अपने पास में बीएससी में है तो वो भी एलिजिबल है। तो इनफैक्ट यहाँ पर बीएससी बीटेक डिप्लोमा और जो कोई भी स्ट्रीम है सबके लिए कहीं ना कहीं अपने पास में इसमें वैकेंसी है, और स्पेशली जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है जिसमें डिप्लोमा और डिग्री इसने इंजीनियरिंग में कर रखी है उसके लिए तो ये सबसे अपने पास में गोल्डन चांस है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को ग्रैब करने के लिए। तो ये बात ही अपने पास में कुल वैकेंसीज की 14,033 वैकेंसी है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे अपने पास में डिस्ट्रीब्यूशन इसका है और कुल वैकेंसी इस टाइप से है। अब अपन बात करते हैं इसके लिए अपने पास में इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है, कौन कौन सी डेट्स यहाँ पर अप्लाई के लिए है तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट डेट्स अपने पास में कौन कौन सी है, क्योंकि अपने पास में किसी भी एग्जाम के लिए अप्लीकेशन डेट्स के लिए जो अपने पास में है और एग्जाम की क्या डेट है उन सब के बारे में अपन इंपॉर्टेंट डेट्स में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स में बात करेंगे इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो इसका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो अपने पास में स्टार्ट कब से हो जाएगा, उसकी स्टार्ट डेट है 2 जनवरी 2019 को 10 बजे से इसकी ओपनिंग डेट है, इसकी 10 बजे से यहां से अपने पास में 10 बजे से इसकी ओपनिंग डेट है। ये अपन ओपनिंग डेट भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब अपने पास में ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 2 जनवरी 2019 से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना स्टार्ट हो जाएगा कोई भी जिसको अप्लाई करना हो। और इसकी जो लास्ट डेट है जो क्लोजिंग डेट जिसकी अपन बात करते हैं, क्लोजिंग डेट अपने पास में है इसकी 31 जनवरी 2019। इनफैक्ट इसका मतलब हो गया आपको कम से कम 28 से 29 दिन जो मिलेंगे, ये अपने पास में 23-59 आवर्स अपने पास में है, ये इसकी क्लोजिंग डेट लास्ट डेट है जहां तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये तो ऑनलाइन एप्लीकेशन उसको रजिस्टर्ड करने की रजिस्ट्रेशन की अपने पास में डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अपने पास में डेट्स है। बाकी पेमेंट इसका थोड़ा बाद में भी हो सकता है, पेमेंट अपने पास में जो मतलब रजिस्ट्रेशन जब तक हो गया, दो स्टेज होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद में अपन पेमेंट करते हैं कि उसका पेमेंट कितना होना चाहिए, तो उसके लिए अपन पेमेंट जो इसकी बात करते हैं तो इसका जो पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट है वो 4 फरवरी तक हो सकता है। जो ऑनलाइन पेमेंट है वो इसका कहां तक हो सकता है, ऑनलाइन पेमेंट 4 फरवरी 2019 तक अपने पास में इसका ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है
अपने पास में, अगर आप SBI या पोस्ट ऑफिस से जो अपने पास में ऑनलाइन पेमेंट करते हो उसकी ये बात है, ठीक है। तो अपने पास में इसका ऑनलाइन पेमेंट 4 फरवरी 2019 तक होता है, लेकिन स्पेशली ध्यान रखिए कभी भी लास्ट मिनट का रश कभी भी पैदा मत कीजिए। अपन को ये लगेगी लास्ट में हो सकता है कि सर्वर में थोड़ी मिस्टेक आ जाए या फिर अपलोडिंग ज्यादा हो जाए, उस चक्कर में अपन को 31 जनवरी का भी वेट नहीं कर रहा है। 2 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, तो बस फर्स्ट डे सेकंड डे जल्दी से जल्दी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगा दीजिए, ताकि अपन लास्ट मिनट रश से बच सकें। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी एग्जाम डेट। अब अपने पास में इसके दो एग्जाम्स होंगे, एक CBT 1 होगा, एक CBT 2 होगा, पहला स्टेज होगा और दूसरा स्टेज होगा। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो CBT 1 की डेट है, CBT 1 की डेट है वो अपने पास में मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल या मई 2019 में इसकी प्रोबेबल डेट है। हालांकि कोई अभी फाइनल डेट नहीं है ये, कि ये अपने पास में जो ऑफिशियल डेट अभी नहीं है ये, लेकिन हम मान रहे हैं कि प्रोबेबली अपने पास में अप्रैल में या मई 2019 में जो इसकी डेट है, जिसका प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है वो यहां पर हो जाएगा। तो अपने पास में इंपॉर्टेंट है, दो स्टेज में एग्जाम होगी, CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT का मतलब क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पहला उसकी डेट अपने पास में अप्रैल या मई 2019 इसकी प्रोबेबल डेट अपने पास में हो सकती है। तो यहां पर अपन ये डेट्स की अपन चर्चा करते हैं। तो इसका लास्ट मिनट रश से बचने के लिए आप जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। फिर अपन बात करते हैं इसके जो अपने पास में एग्जाम है उसके कौन कौन से मोड है और कितने टाइप्स में अपने पास में ये एग्जाम होएगी। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया, दो मोड में एग्जाम होगी, पहला होगा इसका CBT 1 और दूसरा होगा CBT 2। CBT क्या होता है अपने पास में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो अपने पास में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसकी अपन बात करेंगे। तो यहां पर दो कैटेगरी में अपने पास में होगा, एक तो फर्स्ट स्टेज का होगा CBT 1, फर्स्ट स्टेज का जो एग्जामिनेशन होगा उसकी अपन बात करेंगे। पहली स्टेज में अपने पास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे और क्या क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो इसमें अपन बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और अपने पास में कितने मार्क्स के होंगे उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अपने पास में मैथ्स आएगी, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो अपने पास में मैथ्स है वो आएगी पहले सब्जेक्ट में। दूसरे में अपने पास में रीजनिंग आएगी। तीसरी अपने पास में जनरल अवेयरनेस, जनरल जो अपने पास में अवेयरनेस है उसकी बात की जाएगी। और फोर्थ में अपने पास में जनरल अवेयरनेस के बाद में जनरल साइंस जो है वो पूछी जाएगी CBT 1 में। मतलब कि मोस्टली अपने पास में ये टॉपिक होगा, ये होगा यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज मैथ्स का होगा, 30 नंबर की जो है अपने पास में मैथ्स होगी, और उसके बाद में 25 नंबर की रीजनिंग होगी, 15 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस है, और 25 नंबर अपने पास में जो यहाँ जो जनरल साइंस है वो भी 30 मार्क्स की होगी। तो कुल अपने पास में 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही मिनट का टाइम मिलेगा, मार्क्स भी 100 है और टाइम भी कितने मिलेगा अपने पास में 100 मिनट अपने का टाइम मिलेगा। मतलब एक मिनट में अपन को एक क्वेश्चन मोस्टली अपन को करना है, 100 ही क्वेश्चन, टाइम नहीं यहां पर, ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है अपने पास में 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का ही वो होगा, मतलब एक नंबर का एक मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां पर होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो अपने पास में कोर्स है, ये जो कोर्स वही रहेगा जो अपन SSC के लिए अपन तैयारी करते हैं, SSC की जो मैथ्स होती है जिसमें अपन बात करते हैं जो अपने पास में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एलिगेशन, ये सब टॉपिक अपने पास में मैथ्स में रहेंगे। रीजनिंग के अंदर अपन टॉपिक्स की बात करें तो रीजनिंग के अंदर अपने पास में कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, जो सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, क्यूब एंड डाइस, घड़ी, कैलेंडर, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये अपने पास में सारी किस्में होगी इसमें होगी। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें करंट जीके का पोर्शन रहता है या पॉलिटिकल का थोड़ा सा पोर्शन रहता है, जो कि अपने पास में 50 मार्क्स का रहता है। जनरल साइंस यहाँ पर मेजर है, जिस जो 30 मार्क्स की यहाँ पर होने जा रही है। तो जनरल साइंस अपने पास में 10th लेवल की साइंस अपन मान सकते हैं, जिसमें 10th लेवल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो पोर्शन है 10th लेवल तक का यहाँ पर आ सकता है। तो ये अपने पास में स्टेज फर्स्ट का रहेगा। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 15 गुना पास किए जाएंगे स्टेज वन में, 15 गुना है वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे 15 गुना लोग। तो अब CBT 2 की अपन बात कर लेते हैं कि CBT 2 में क्या सब्जेक्ट रहेंगे, 15 गुना यहां से क्वालिफाई होंगे, इसका मतलब ज्यादातर लोग CBT 1 में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, सिर्फ 15 गुना वैकेंसी जो है उसके 15 गुना जो है वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो CBT 2 में अपने पास में क्या क्या सिलेबस रहेगा उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो जो CBT 2 है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे और क्या क्या अपने पास में इसमें होगा, तो उसमें CBT 2 में अपने पास में सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस उसमें होगा CBT 2 की अपन चर्चा करते हैं।
सबसे पहले टॉपिक होगा जनरल अवेयरनेस होगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन होगा जो जनरल टेंथ बेस्ट ही रहेगा अपने पास में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है वो अपने पास में होगा। उसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस का, कंप्यूटर अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस के अलावा अपने पास में जो होगा एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस का होगा, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरमेंट अवेयरनेस में पोल्यूशन कंट्रोल भी आ सकता है। और उसके अलावा टेक्निकल का पोर्शन अपने पास में इंपॉर्टेंट होगा, जो टेक्निकल पर्टिकुलर स्ट्रीम से जिसने इंजीनियरिंग की है, जिसने डिप्लोमा किया है, वो टेक्निकल का पोर्शन यहाँ पर रहेगा। और इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास में होगा 15 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस, 15 मार्क्स की फिजिक्स केमिस्ट्री, 10 मार्क्स का कंप्यूटर, 10 मार्क्स का एनवायरमेंटल और 100 मार्क्स का क्या होगा टेक्निकल होगा। और टोटल अपने पास में 150 मार्क्स, 150 मार्क्स का यहां पर सेकंड स्टेज होने जा रहा है दोस्तों। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, फिजिक्स केमिस्ट्री 15, कंप्यूटर अवेयरनेस 10 नंबर, एनवायरमेंटल अवेयरनेस तो 50 नंबर का तो अपने पास में क्या होगा ये पोर्शन, और बाकी 100 नंबर का टेक्निकल होगा। कुल मिलाकर 150 नंबर तो यहां पर टेक्निकल इंपॉर्टेंट अपने पास में होने जा रहे हैं, सेकंड स्टेज में टेक्निकल यहां पर इंपॉर्टेंट होगा। तो ये अपना सीबीटी का पहला और सेकेंड स्टेज का है, टोटल मिलाकर कुल सिलेबस है। तो ये अपने पास में कंप्यूटर का, अपने पास में जो सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसका पहली और सेकंड स्टेज का जो सिलेबस है वो रहा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहली स्टेज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली स्टेज में 85% जो बच्चे हैं वो आउट हो जाएंगे, सिर्फ 15 गुना ही है वो सेकंड स्टेज में अप्लाई कर पाएंगे। और फर्स्ट स्टेज यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर फर्स्ट स्टेज के सिलेबस का हमने श्रीराम कोचिंग सीकर में काफी अच्छे से जो सिलेबस है वो आपको करवाया जाएगा, सारा मटेरियल सारी स्ट्रेटेजी तैयार हो चुकी है और एक बेस्ट मटेरियल आपको यहां पर मिलने वाला है। मंडे से अपने बेस शुरू हो रहे हैं जिसमें सीबीटी 1 का जो कोर्स है वो अच्छे से आपको करवाया जाएगा और यहां पे 100% आपको सक्सेस का डिलीवरी का यहां पर अपन कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते हो, रेगुलर सिलेबस को पढ़ लेते हो, तो कोई यहां पर अपना बार नहीं होगा कि हम वहां पे क्वालिफाई नहीं कर सके। तो 100% अपने पास में सक्सेस यहां पर सीबीटी 1 में लेंगे ताकि अपने पास में फिर सीबीटी 2 का सिलेबस बचे। मंडे से अपने पास में बेचेज यहां पर शुरू हो रहे हैं। तो फिर अपन बात करेंगे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके अलावा अपने पास में क्या क्या सिलेबस में है। तो सीबीटी के अलावा अपने पास में जो है नेक्स्ट अपन बात करते हैं एज लिमिट यहां पर क्या होगी। लोगों को एज लिमिट की ज्यादा रहती है कि एज लिमिट यहां पर क्या होगी, तो यहां पर जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2019 के हिसाब से 18 to 33 years, 18 से लेकर 33 साल जो है वो यहां पर एज लिमिट रहेगी। ये मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूं, यूआर कैटेगरी अनरिजर्व्ड जिसको अपन जनरल कैटेगरी बोलते हैं उसके लिए जो एज लिमिट रहेगी वो ये रहेगी। इसके अलावा अपने पास में यहां पर ओबीसी को है वो 3 years का रिलैक्सेशन मिलेगा, या एससी और एसटी को है 5 years का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसका मतलब 18 से 33 साल जनरल कैटेगरी का अगर बंदा है, 33 साल जिसकी उम्र नहीं हुई, 18 साल जिसकी उम्र स्टार्ट हो चुकी है, वो यहां पर अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेबल है। तो ये अपने पास में एप्लीकेशन की क्या होगी एज लिमिट हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं कि अप्लाई करने के लिए अपने पास में एप्लीकेशन फीस क्या होगी। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फी क्या होगी। तो एप्लीकेशन फी अपने पास में जनरल कैटेगरी जिसको अपन जनरल कैटेगरी बोलते हैं, या यूआर कैटेगरी अनरिजर्व्ड कैटेगरी जिसको अपन बोलते हैं, यूआर कैटेगरी जिसको अपन बोलते हैं, उसके लिए जो फी है वो रहेगी 500 रुपया। कितनी फीस रहेगी? 500 रुपया अप्लाई करने के लिए। और दूसरी अपने पास में बाकी जो ओबीसी बचे या एससी एसटी वुमन उन सब के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 250 रुपये है, 250 रुपये जनरल या रिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी सब के लिए अपने पास में 250 रुपये यहाँ पर फीस है। अब यूआर कैटेगरी में देखिएगा, इन दोनों में देखिएगा, अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करते हो, अगर आप सीबीटी 1 अगर क्वालिफाई करते हो, सीबीटी 1 अगर आप क्वालिफाई करते हो या सीबीटी राउंड में आप जाते हो, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 400 रुपये वापिस रिफंड कर दिए जाएंगे, वापिस मिल जाएंगे 500 रुपये जो आपने अप्लाई किए थे। और अगर आप एस सी एस टी ओबीसी 1 कैटेगरी से हो तो आपको 250 रुपये
पूरे के पूरे रुपए जो आपने लगाए थे, जो आपने अप्लाई किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, पूरे के पूरे रुपए वापस आपको मिल जाएंगे। कंडीशन ये की है, अगर आप सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उस पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो पहला स्टेज होगा उसको अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको पूरे रुपए 250 वापस मिल जाएंगे, और जनरल कैटेगरी में से 500 में से 400 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। ये अपने पास में पेमेंट का होगा, तो ये अपने पास में एग्जामिनेशन क्या रहेगी, फी रहेगी। फिर इसके अलावा अपन बात करते हैं कि पेमेंट आपको क्या मिलेगा अगर आप सेलेक्ट होते हो, तो क्या अपने पास में आपकी पेमेंट होगी। तो उसके लिए अपन पेमेंट की अपन बात करें तो अपने पास में 35,400 रुपए जो अपने पास में है वो आपकी सैलरी होगी। इसके ये अपने पास में 7 CPC मैट्रिक्स है, एज पर जो अपने पास में 7 CPC जो मैट्रिक्स है उसके हिसाब से अपने पास में आपकी ये सैलरी होगी जो अपने पास में 35,400 रुपए। इसके अलावा प्लस अलाउंसेस, जो प्लस आपके रेलवेज में अलग से अलाउंसेस जो होते हैं उसके अलावा मिलेंगे, 35,400 के अराउंड आपकी क्या होगी, सैलरी होगी। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या रहेगी, एप्लीकेशन की फी रहेगी, और ये अपने पास में क्या रहेगा, पेमेंट रहेगा। फिर अपन बात करते हैं अपने पास में CBT 1 और CBT 2, ये दोनों अपने पास में अगर क्लियर हो जाती है तो इसके बाद में आपके क्या रहेगा, इसके बाद में मेडिकल, नॉर्मल मेडिकल है वो रेलवेज का जो होता है वो होगा, और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर फाइनल सिलेक्शन आपका है जो हो जाएगा। तो इसके बारे में अपन ने बात की कि RRB में क्या वैकेंसीज है, तो स्पेशली ध्यान दीजिए श्रीराम जो कोचिंग है, श्रीराम कोचिंग में इसकी बेस्ट फैकल्टी है, और वो यहाँ से मंडे से आपके जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से आपका कोर्स है, सिलेबस है स्टार्ट हो जाएगा, जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हो, मंडे का मतलब आज अपने पास में मंडे, इनफैक्ट अपने पास में 1 तारीख मान लो, न्यू ईयर ट्यूसडे भी मान सकते हो, 1/1/2019 से अपना बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आप यहाँ की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ के अपनी जो सक्सेस है वो अश्योर कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि रेलवे के लिए बहुत बम्पर वैकेंसीज है, स्पेशली जिसने इंजीनियरिंग की है, जिसने डिप्लोमा किया है, इनफैक्ट BSc की है, BCA किया है, या अदर क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बताई थी वो अगर आपने कर रखी है तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत बम्पर वैकेंसी है। और लोकसभा चुनाव से पहले पहले पूरी उम्मीद है कि सारी जो रिक्रूटमेंट की जो कंपल्सन जो है अपने पास में फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो जाएगी, और आपके पास में एक गवर्नमेंट जॉब होगी। रेलवेज की जो इतनी बम्पर वैकेंसीज है, रेलवे इतना प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इतना प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपका जो नौकरी पाने का बहुत बढ़िया अपने पास में मौका है। तो जल्द ही आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को जो अंतिम रूप देने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय श्री राम। डेट पहला से भाई 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, फिर रात की 2:11 बजे देखने के बाद चलो प्रार्थना करो। टाइम हो गया वीणा पाणी की, वीणा पाणी की अनुकंपा से, अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि, संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट लगन, उत्कृष्ट लगन, समन्वय, समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से, पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनी है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगानी है। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन RS प्रॉपर। थैंक यू बेंच ऑफ प्लान शानदार साली लोनी से कुछ और करना चाहिए। पकड़ा उस पानी में डाल दिया जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया, और जब
एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरु जी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पी रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा लूं किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य आपसे। विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के लिए।